हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम जब मिले थे तो वी टॉक्ड अबाउट जैनिज्म, राइट। और इस क्लास में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। जैनिज्म के बारे में हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था, जिसमें भी आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। सिमिलर वे में हम बुद्धिज्म को कवर करेंगे टू एन एक्सटेंट कि अभी आने वाली जो महाजनपद और उससे आगे जब हम कुछ चीज़ें पढ़ें तो एटलीस्ट हम रिलेट कर पाएँ। और दूसरा, बुद्धिज़्म ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही दो फिलोसफीज़ हैं, इंडियन फिलोसफीज़ का पार्ट है, एंशियंट इंडियन फिलोसफीज़ का, और भी हैं, चार और हैं, बट हम टाइम टू टाइम इसके बारे में बात करेंगे। इन सारी फिलोसफीज़ का एक कंपाइलेशन ज़रूर होगा इन आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियोस, ठीक है। अभी हम एंशियंट इंडिया को आगे प्रोसीड करते हुए बुद्धिज़्म के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म अच्छा ओरिजिनेट क्यों हुआ, रीज़न क्या थे इसके आने के? वो वही थे जो जैनिज़्म के आने के रिलीजन थे, रीजन्स थे, सॉरी, वही कि वेदा की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनइक्वालिटी बहुत आ गई थी, इनजस्टिस बहुत हो रहा था, दूसरा सुप्रीमेसी के लिए क्लैशेस थे, तो वही सारे वो रहेंगे। और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर था, जो वेदा जो टेक्स्ट था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो वही सारे रीजन्स होंगे बुद्धिज़्म के भी आने के। तो बुद्धिज़्म, व्हाट इज़ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। 2600 ईयर्स अगो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका, इसके अंदर एक पोटेंशियल था फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन। तो किसी भी फिलोसफी में ये तो उसका एक पोटेंशियल होता ही है कि एक पूरे इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप देखोगे कि अशोक के टाइम पे, अशोक वॉज मगध का राजा, बहुत एम्परर अशोक, आपको तो पता ही है कि अशोक के बारे में तो सबने सुना ही होगा एक बार। तो जो अशोक के टाइम पे आप देखोगे कि बुद्धिज़्म नॉर्थ ईस्ट, इनफैक्ट ओवरसीज भी चल जाएगा, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना और भी कई सारी जगह पे। इनफैक्ट थाईलैंड में आप देखोगे 95% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को प्रीच करती है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, जैनिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। मे बी रीज़न ये हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैटर्नेज नहीं मिली होगी। बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पैटर्नेज मिली तो इसलिए ओवरसीज तक चला गया। और ऑब्वियसली अशोक एक बहुत बड़ा राजा रहा, पूरे इंडिया को उसने नॉर्थ से लेकर साउथ तक काफ़ी दूरी तक उसने साथ ले आया था वो, और साथ ले आया था इस वजह से मे बी उसने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करा था इस रिलीजन को, बुद्धिज़्म को। मूविंग अहेड, हम बुद्धा के बर्थ से शुरू करते हैं, जैसे हमने वहाँ महावीर के बर्थ से शुरू किया, यहाँ पे बुद्धा के बर्थ से शुरू करते हैं। तो बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, वो 563 BCE में पैदा हुए। एक साक्य क्लैन, एक रॉयल फैमिली के मतलब चाइल्ड थे, वो साक्य क्लैन के थे, कपिलावस्तु नाम की जगह पे वो रहते थे, विच इज़ इन लुम्बिनी, वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ती है, बिहार में है ये जगह, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उस एरिया में। इनकी मदर का नाम है क्वीन महामाया। क्या था कि क्वीन महामाया अपने पैटर्नल होम जा रही थी, मतलब अपने फादर मदर के घर जा रही थी। जब वो जा रही थी कपिलावस्तु से देवदाहा, तो रास्ते में रास्ते के बीच में ही इनका जन्म होता है, बुद्धा जी का जन्म होता है जंगलों के बीच में। तो माना जा रहा है कि रास्ते में लुम्बिनी नाम की जगह थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, इसीलिए लुम्बिनी में आप देखोगे कि अशोक एक बहुत बड़ा टेम्पल टाइप का भी बनाएंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाएंगे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके फादर ने ब्राह्मण्स को अपने घर बुलाया ये जानने के लिए कि इनका नाम क्या रखे, करते हैं ना नामकरण संस्कार जिसको कहते हैं। तो जब उन ब्राह्मण्स को बुलाया कि भाई इनका नाम रखो और इनके बारे में प्रेडिक्शन दो कि भाई ये बॉय कैसा होगा आगे चल के, तो बुद्ध ब्राह्मण्स ने प्रेडिक्शन दी कि देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर इसने संसार के दुखों को देख लिया, अगर संसार के सफरिंग्स को देखा, तो ये पक्का एक बहुत बड़ा टीचर बनेगा, ही विल बी अ ग्रेट टीचर, एक सेंट बनेगा, एक टीचर बनेगा। और अगर ये अपने लग्जरियस लाइफ में कंटिन्यू रहा तो ही विल बी अ ग्रेट किंग, एल्स ही विल बी अ ग्रेट किंग। तो इसलिए पूरे ज़िंदगी जो उनके फादर हैं वो उनको दुख से बचा के रखेंगे, और ऑब्वियसली राजा थे वो खुद, तो उनका जो बच्चा होगा वो तो कितनी ही लग्जरीज में रहा होगा। तो सिद्धार्थ ग्रू अप इन लग्जरीज और अपनी पढ़ाई में भी वो काफ़ी एक्सेल करते थे। 16 ईयर्स के थे जब उनकी मैरिज हो गई यशोधरा से, यशोधरा नाम की एक प्रिंसेस से। 29 ईयर्स की एज के करीब पे उनको चार, हालांकि उनके फादर ने हमेशा उनको बचा के रखा, पर उनको चार साइट्स दिखी, मतलब उन्होंने चार लोगों को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, एक दुख में आदमी को देखा जो कि बीमार था, एक डेड मैन को देखा और एक सन्यासी को देखा।
जब उसने संसार में ये तीनों के दुख देखे और फिर उसके बाद उसने सन्यासी को देखा, उन्होंने जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो देखा अरे उसके चेहरे पे कितना कितना ग्लो है, वो कितना शांत है, कितना हैप्पी है, जिस चीज़ को अपनी लाइफ में मिस कर रहे थे. ही वॉज मिसिंग हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, सब कुछ था फिर भी हैप्पी नहीं थे. तो इसलिए वो 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ देंगे, उनका चैरियटर चन्ना और उनका हॉर्स कंठक के साथ वो जाएंगे और अपना घर छोड़ के जाएंगे, वर्ल्ड पीछे छोड़ के जाएंगे, अपने पैलेस को, वर्ल्डली लाइफ, पैलेस लग्जरीज को सब पीछे छोड़ के जाएंगे. इस इवेंट को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, प्लीज़ इसको याद कर लेना. क्या बोलते हैं इस इवेंट को? महाभिनिष्क्रमण. ओके, उसके बाद बुद्ध बने कैसे? अच्छा, पहले तो बुद्ध का मतलब है अवेकंड वन. अवेकंड मतलब एनलाइटेंड, जिसको अब सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है. एनलाइटेंड वन, अवेकंड वन. तो ठीक है, अब सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध बने कैसे? एक दिन अचानक से बुद्ध नहीं बने थे. तो उनको एनलाइटनमेंट कैसे हुआ? एक तो उन्होंने अपनी स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस किया, एस्टेटिज्म को प्रैक्टिस किया. और क्या किया उन्होंने? मिडिल पाथ को फॉलो किया. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पाथ नहीं लिया. अलग अलग एक विलेज के नीचे गए, बोधि ट्री के नीचे बैठे और मेडिटेशन करी. जब मेडिटेशन करी, 49 डेज तक मेडिटेट किया उन्होंने. जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको उनकी पास्ट लाइफ दिखी, डेथ्स दिखी, रीबर्थ्स दिखे उनको कई अपने. तो उन्होंने ये फील किया कि ही हैज़ एलिमिनेटेड ऑल हिज डिज़ायर्स, ही हैज़ एलिमिनेटेड हिज इग्नोरेंस. ठीक है, और इसलिए वो अब क्या होगी? एनलाइटनमेंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? एनलाइटनमेंट. इसलिए उनको क्या बोलेंगे? बुद्ध बोलेंगे. बुद्ध मतलब द एनलाइटेड वन, द अवेकेंड वन. ठीक है, और ऐसा क्या किसके नीचे होगा? पीपल के पेड़ के नीचे, बोधगया में. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लोकेशन याद रखना. अच्छा, सिद्धार्थ जो है वो जब बुद्ध बनेंगे उसके बाद वो अपना पहला सर्मन देंगे, पहली टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे. वो सारनाथ उनका वो विलेज रहेगा जहाँ से वो टीचिंग देना शुरू करेंगे. तो जो उनकी पहली टीचिंग है उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन. क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन. वो फ्लैग में याद है ऐसे स्पोक्स व्हील, वो हमने यहीं से उठाया, इन्हीं का सिंबल हमने उठाया है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ. धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ. इनके 5 डिसाइपल्स थे उस टाइम पे जब इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया. उसमें से इनके जो फर्स्ट डिसाइपल थे महाकश्यप थे. इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? महाकश्यप. और महावीर के फर्स्ट डिसाइपल अगर याद हो किसी को तो जमाली, उनके सन इन लॉ. ठीक है, और इनके महाकश्यप फर्स्ट डिसाइपल थे. अच्छा, नेक्स्ट 45 ईयर्स तक ये घूमते रहेंगे, विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी, और ये अपने जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है इसको आगे फैलाते रहेंगे. इनकी डेथ हो जाएगी एट द एज ऑफ 80 इन 483 BCE इन कुशीनगर, विच इज़ इन UP. ठीक है, और इनकी डेथ के इवेंट को बोलते हैं महान परिनिर्वाण. क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण. महापरिनिर्वाण मतलब इनकी बुद्धा जी की डेथ. प्लीज़ इसको याद करके रखना. अच्छा, बुद्धिज्म में कई सारे इवेंट्स को, कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. ठीक है, तो ये सिंबल उनकी टेक्स्ट में, उनके आइडल में और इन सब में यूज़ किए गए हैं. जैसे बुद्धा की कंसेप्शन को, अवक्रांति को, कंसेप्शन को, जब उनकी मदर ने उनको कंसीव किया, ऐसे इवेंट को एलिफेंट से दर्शाया गया है. क्योंकि वाइट एलिफेंट से, क्योंकि जब बुद्धा की मदर ने उनको कंसीव किया था तो शी हैड अ ड्रीम ऑफ अ वाइट एलिफेंट. ठीक है, उसके बाद बुद्ध के बर्थ को लोटस और बुल से डिस्क्राइब किया गया है. लोटस से क्यों? क्योंकि जैसे लोटस कीचड़ में उगता है, वैसे ही बुद्ध का भी जन्म ऐसे टाइम पर हुआ जब लोग इग्नोरेंस से भरे हुए थे. ठीक है, और बुल का इसलिए क्योंकि गलत बात नहीं बोलना, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरीज में, जब आगे जातक टेल आप पढ़ोगे, जातक टेल स्टोरीज हैं बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड, तो आप देखोगे कि एक बार एक बुल को गलत तरीके से अपशब्द बोले गए तो उस बुल ने वो काम करने से मना कर दिया. तो इसलिए बुल के थ्रू वो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी गलत काम, गलत बात किसी को ना बोलें. उसके बाद ग्रेट डिपार्चर, जब वो अपने घोड़े के साथ अपने घर से निकल गए थे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज महाभिनिष्क्रमण, जो कि हॉर्स से सिम्बलाइज किया जाता है. उसके बाद निर्वाण, मतलब जब उनको एनलाइटन हुआ, उनको एनलाइटनमेंट मिली. वो निर्वाण किस ट्री के नीचे हुआ था? बोधि ट्री, पीपल ट्री के नीचे हुआ था, तो इसलिए उसको उससे सिंबलाइज किया जाता है. धर्म चक्र परिवर्तन, जो उनका फर्स्ट सर्मन था, उसको व्हील से. और परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण, इसको स्तूप से सिंबलाइज किया जाता है. ठीक है, स्तूपा होता है ना, बुद्ध स्तूपा, इस तरह से. आगे हम स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में ही, ठीक है, यहाँ नहीं. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो भी अभी हमने बुद्ध
बुद्धा की लाइफ से मैं मतलब देखा है, उसे एक बार ये देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब इवेंट्स कौन कौन सी जगह पे हो गए थे, और इन इवेंट्स को कोशिश करना मैप पे एक बार देख लूँ कि ये सारी प्लेसेस है कहाँ कहाँ पे। तो जैसे उनका बर्थ हुआ लुम्बिनी में, कपिलावस्तु, जो कि नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर की तरफ पे पड़ती है, जो अभी प्रेजेंट डे कपिलावस्तु कहलाती है। उसके बाद उनका बोध गया, विच इज़ एट द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजन, ये एनलाइटनमेंट का था, बोधी ट्री के नीचे बोधगया में ही बैठे थे। उसके बाद राजगीर में अगर आप देखो तो महाभिनिष्क्रमण, अपने घर को छोड़ने के बाद तो बुद्धा सबसे पहले कहाँ गए थे, तो राजगीर में गए थे, और वहीं जाके इन्होंने सबसे पहले बेगिंग करना शुरू किया था, ठीक है, एस्थेटिक लाइफ जीना भी यहीं से शुरू किया था। और यहीं पर किंग बिम्बिसार भी थे, तो अगर आपको देखना हो तो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग बिम्बिसार। आगे हम पढ़ेंगे, महाजनपद के एक राजा रहे हैं हरिणक डायनेस्टी के। तो किंग बिम्बिसार ने इनको जब ये बैग करने के लिए आए तो इनको अपना थ्रोन दे दिया था, बोला कि अरे मेरे राज्य पे ही बैठ जाओ, तो इन्होंने वो ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। उसके बाद वैशाली भी इनकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है। जब इन्होंने कपिलवस्तु जब ये अपने छोड़ के आए तो ये सबसे पहले वैशाली गए, जहाँ इनको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मिली। और ये दो अलारा एंड उदक, ये दोनों ही इनके स्पिरिचुअल गुरुज हैं, इनसे इन्होंने टीचिंग्स ली थी। तो कपिलवस्तु जब ये अपने घर को छोड़ के टीचिंग लेने के लिए निकले थे, तो ये अलारा और उदक से मिले थे। अलारा एंड उदक ये बुद्ध इनको टीचिंग देने वाले इनके दो रिलीजियस गुरु थे, प्लीज़ इनका नाम याद कर लेना। उसके बाद श्रावस्ती यूपी में एक जगह है जहाँ पे बुद्ध जी अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम रहे। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया, हमें पता है। कुशीनगर यूपी में इनकी डेथ हुई थी, डेथ मतलब इनको डेथ के लिए इनके लिए बोला जाता है महापरिनिर्वाण। उसके बाद टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म की फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म में बोला जाता है कि किसी भी एक्सट्रीम में इंडल्ज नहीं होना है, यू हैव टू लीड अ मिडल पाथ, मध्यम मार्ग, क्या लीड करना है, मध्यम मार्ग। तो इसलिए इनकी टीचिंग जो है अगर आप देखोगे कि तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है चार नोबल ट्रूथ, चार सच, और इसको इसके जीवन जीने के लिए आठ पाथ जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, और चार नोबल सत्य को कहते हैं अरिय सच्चानी, ठीक है। तो व्हाट इज अरिय सच्चानी, अरिय सच्चानी मतलब चार नोबल ट्रूथ। तो अरिय सच्चानी में कहते हैं दुख, बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में आए हो तो सफरिंग तो होगी ही होगी, दुख होगा ही होगा। समुदाय हर एक दुख का एक कारण होता है समुदाय, निरोध, हम अपने दुख को हटा सकते हैं, सफरिंग्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, कैसे, अठंग मार्ग, ये जो अष्टांग मार्ग है इसको फॉलो करके। तो अष्टांग मार्ग में क्या क्या है, एक तो राइट व्यू रखना, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन। तो ये आठ मार्ग है जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में जो दुख है उससे जीत सकते हो, अपने दुख को कम कर सकते हो या हटा सकते हो। तो एसेंस ऑफ बुद्धिज्म क्या है, एसेंस ऑफ बुद्धिज्म है टू अटेन एनलाइटनमेंट। अब देखो एसेंस ऑफ जैनिज्म क्या था, लिबरेशन, है ना, एक्सट्रीम फॉर्म है मोक्ष की प्राप्ति, एक्सट्रीम फॉर्म। पर ये थोड़ा मध्यम मार्ग की बात करेंगे, बोलेंगे एनलाइटनमेंट, ये लिबरेशन मोक्ष की बात तो करेंगे, पर उससे पहले इनका जो एसेंस होगा वो क्या होगा, एनलाइटनमेंट। इनके हिसाब से व्यूज अच्छे रखो, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड। जैसे चोरी चकारी करना भी किसी के लिए तो बिजनेस हो सकता है, करते हैं ना वो बिजनेस, पूरा एकदम सारे मिल के बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो लाइवलीहुड फॉर देम, बट दिस इज नॉट अ लाइवलीहुड, दिस इज नॉट अ राइट लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद ओवर इंडल्जेंस, अवॉइड सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनायल। तो ये लोग कोई भी गॉड को सुप्रीम नहीं मानेंगे, कोई भी डीटी को सुप्रीम नहीं मानेंगे, जैसे वेदों में बोला गया था, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या होगा इनका, निर्वाण प्राप्त करना, विच इज़ नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस। निर्वाण इज नॉट अ प्लेस, निर्वाण इज एन एक्सपीरियंस जो कि हम अपनी लाइफ में अटेन कर सकते हैं थ्रू दिस अष्टांगिक पाथ, अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, बुद्धिज्म और जैनिज्म को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, अनऑर्थोडॉक्स वो जो वेदास को नहीं मानेंगे, जो वेद की फिलॉसफी को नहीं मानेंगे, जो वेद को मानेंगे उनको ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, जो वेदों को नहीं मानेंगे उनको अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो
तो बुद्धा जी ने खुद ने ही संघ ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे महावीर ने ऑर्डर ऑर्गेनाइज किए थे, इन्होंने संघ ऑर्गेनाइज किए थे। जो इनके संघ होंगे उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, जैसे मोनेस्टिक लाइफ जीने के, जो इनके मोनेस्ट्रीज थी उनके अंदर उनके अंदर अगर आपको रहना है तो कुछ डिसिप्लिन्स को फॉलो करना होगा, तो इसको वो कहते हैं पंकेसेल, पंकसेल। ठीक है, पंकसेल में क्या था, वॉयलेंस नहीं करना है, चुराना नहीं है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचना है, लाइंग और गॉसिप नहीं करनी है, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स ड्रिंक ये सब कुछ नहीं करना है। तो ऐसे बुद्धा, जब हम बुद्धिज्म को देखेंगे, इनकी फिलॉसफी में त्रिरत्न, जैसे महावीर की फिलॉसफी में त्रिरत्न थे, क्या क्या थे वो, अगर किसी को याद हो तो एक बार प्लीज़ रिकॉल करना। KFC, राइट नॉलेज राइट फेथ राइट कंडक्ट, है ना। तो इनके त्रिरत्न क्या होंगे, बुद्ध संघ, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध से क्या डिनोट करेंगे, बुद्ध से क्या मीनिंग है, बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी, ऑल्सो द हाइएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल ऑफ एवरी बींग। मतलब ये हाइएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल है जो भी कोई इंसान है वो अपने आप जो अचीव कर सकता है। वॉट इज धम्म, धम्म इज इन संस्कृत का मतलब है धर्म, संस्कृत धम्म का मतलब है धर्म, एंड धम्म डिनोट्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धास फिलॉसफी। एंड देन संघ, संघ तो क्या है, वो जो मॉन्क्स के ऑर्डर थे, मॉन्क्स के जो ग्रुप थे जो कि फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म को, तो ये वो है। अच्छा, अगर मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करूँ, जैसे जैन टेक्स्ट इनिशियली ओरल थे, वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धा जो अपनी टीचिंग देते थे वो भी ओरल ही थी। इनिशियली जो उनके संघ जा जा के बुद्धिस्ट फिलॉसफी को प्रोपोगेट करेंगे, फैलाएंगे, वो भी ओरल ही फॉर्म में होगा। संघ जो होगा वो मेमोराइज करेगा इनकी टीचिंग्स को, और फिर अलग अलग फेस्टिवल्स ओकेजन्स पे जा जाके उसको रिसाइट करेगा। आप देखोगे कि फर्स्ट काउंसिल जब बुद्धिज्म की होगी तो उसके बाद ही ये जो टेक्स्ट है इनको लिखना स्टार्ट होगा। इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसको बोलेंगे त्रिपिटक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी टीचिंग्स जो है वो 225 BC में इन पाली, वो वाली प्राकृत में थी अगर आपको याद हो, और ये पाली में इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी लेट जाके इनकी राइटिंग स्टार्ट हुई, तो जिस टाइम पे ये थे बुद्धा जी उस टाइम पे राइटिंग नहीं थी, काफ़ी बाद में लिखना शुरू हुआ। अच्छा, तीन पितक्स, जो थ्री पितक्स की बात मैंने करी है, थ्री पितक्स क्या है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक विनय पितक, एक सुत्त पितक और एक अभिधम्म पितक, ठीक है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। विनय पितक जो है वो जो मॉन्क्स है उनके रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट, उनको क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है उसके ऊपर है, ठीक है। सुत्त पितक आप देखो तो ये टीचिंग्स है बुद्ध, बुद्ध की धर्म के बारे में, जो बुद्ध की टीचिंग्स है, जो डॉक्ट्राइन है इसकी, उसके बारे में। एंड अभिधम्म पितक जो कि लास्ट है, विच इट इज फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ठीक है। सुत्त पितक में आप देखोगे कि इनको पांच निकायज में डिवाइड किया गया, सुत्त पितक को पांच निकायज में डिवाइड किया गया, जैसे दिघ निकाय, ठीक है, संयुक्त निकाय, अंगुतार। अंगुतार निकाय में आप देखोगे महाजनपद का जिक्र है, अंगुतारा निकाय में महाजनपद का जिक्र है। तो आप जैसे हमें पता कैसे चला महाजनपद के बारे में, तो ऐसा ही ऋग्वेद में, वेदों में कई जगह जिक्र है, अंगुतार निकाय में, ऐसी जैन के कई सारे टेक्स्ट में उनका जिक्र है, तो वहाँ से हमें पता चला कि अच्छा ये उस टाइम पे कुछ ऐसा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद इनकी जो डिविजन्स है आई थिंक कि वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन आई फील आप इसी को एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार जैनिज्म और बुद्धिज्म को अच्छे से देख लेना। हम नेक्स्ट क्लास में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में एक छोटा सा डिफरेंशिएट भी करेंगे कि इन इन दोनों ही फिलॉसफीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, और कल जब हम मिलेंगे तो बुद्धिज्म को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।